वो तो पहले से थी, अब क्रिमिनल बनेगी, पूरे फैमिली को जान से मार डालेगी तू। मेरा इंटरेस्ट किसी को मारने में नहीं है, तुझे हराने में। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। बात छोड़, पहले तू एक ऐसी हद छोड़ जिसे तू पार ना कर सके। बॉर्डर छोड़, तू मेरे गुस्से की आग को भड़काएगी। घर तो जलेगा, बार बार जलेगा। ये हुई माचिस की तीली कहेगी। कान के नीचे एक ऐसे खींच के थप्पड़ मारेंगे ना, आपकी स्पेलिंग भूल जाएगी तू। कोई सबूत रहेगा और ना कोई मानेगा कि याद मैंने। थैंक यू मम्मी। जी जी, आप ठीक है ना? कैसा लग रहा है आपको? ये भाई, सुख की अनुभूति हो रही है। ए पागल, हम कोई कागज की बनी है? ठीक है, मैं माफ कर दीजिएगा जी जी, पता नहीं किसने किया ये सब। दादी, इस बार आप मिश्री को ब्लेम नहीं कर सकती, वो भी हम सबके साथ रूम में बंद थी। और दादी माँ बाहर सिर्फ आप और अनु थे। ऑब्वियसली आपने तो किया नहीं, बची सिर्फ। खबरदार अश्विन, अनु पे ऐसा भद्दा इल्जाम लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ले फिर वही। अरे भाई, ये कहे कि तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होएगा। हे पूर्णी, कहीं ऐसा ना हो सच से मुंह फेर कर के तेरी एक दिन गर्दने अकड़ जाए। कैसा सच जीजी? कैसा सच? कि ये आग अनु ने लगाई थी? ठीक है, अगर आप सब लोगों को ऐसा लगता है तो आपके पास कोई सबूत तो होगा ना? सबूत हमारे पास है दादी माँ। गुनहगार का नाम भी। श्री, क्या तुम जानती हो कि घर में आग किसने लगाई थी? हाँ अर्जुन, कि आग हमारी वजह से लगी थी माँ जी। बोतल हाथ से छूट गई थी तो सारा तेल फर्श पे फैल गया। हमने जानबूझ कुछ नहीं किया माँ जी। नानी, ये तो घर से भाग रहा था, ये तो मैंने सही टाइम पे पकड़ लिया। इतना डर गया था कि 2 मिनट नहीं लगे इसके मुंह से सच निकलवाने में। के सामने वैसा ही कहना जैसा मैंने कहा, समझे? ले लो जा। बस, अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जा, वरना हम भी नहीं जानते कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। निकल यहां से।
देख लिया आप लोगों ने, गलती अनु की नहीं थी, इस नौकर की थी। अरे अपने अंदर की कड़वाहट को झूठे इल्जाम बना के अनु पे थोपना बंद कीजिए। बस मेरी चालों में फंसते जाइए। आज तो सब बच गए, मगर घर को किसी को चोट आ गई तो हमें प्रिया पे नजर रखनी होगी। मम्मी, as always मम्मी तो नहीं आ पाई, पर आप आ गए as always। तुमने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा, हाथ जल गए हैं तुम्हारे, पर तुम्हें चिंता ही नहीं। सिट सिट। हंसी आ रही है तुम्हें? Stupid girl? Very stupid boy. पहले दादी, फिर माँ, फिर बड़ी दादी, तुमने क्या कसम खाई है कि एक एक करके इस घर के सारे फैमिली मेंबर्स की जान बचाओगी? इतनी बार थैंक यू बोल चुका हूं, लगता है अब थैंक यू की जगह कोई नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है अर्जुन, आप हमसे क्या कहना चाहते हो, क्या सोचते हो, ये आपकी आंखें हमसे कह देती है। लीली, ठीक है तो बताओ मेरी आंखें अभी क्या कह रही है, बोलो। ये कि आप हमसे, कि मैं तुमसे, बहुत इंप्रेस्ड हूँ।